हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड चिलर के बारे में। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे वर्क करते हैं और इनका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाला जो हम वीडियो डाले थे उसमें हम आपको बताए थे कि AHU एंड MCU का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, उस बारे में हम बताए थे। तो एक दोस्त का रिक्वायर था कि हमें एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड चिलर का बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आपसे क्लाइंट कभी भी इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं और खुद भी वर्क कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए, अलग अलग हम सबका डिफिनेशन लिख दिए, दोनों का डिफरेंस हम लिख दिए हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जस्ट हम 2 सेकंड के लिए हट जा रहे हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिए, इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए काम आएगा। देखिए, एक चीज और हम क्लियर करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एयर कूल्ड चिलर है तो इसमें पानी का कुछ काम नहीं है, वाटर कूल्ड चिलर है तो पानी का कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है। एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड में सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर का डिफरेंस है कि दोनों का कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट कंडेंस होता है वो एयर के जरिए वाटर के जरिए, बट अदरवाइज जो हमारा चिलर है, चिलर जहां समझिए आ गया, मतलब कि उसमें चिल्ड वाटर का ये हो रहा है, चिल्ड वाटर ठंडा हो रहा है जो प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप HU में जो जाता है उसमें पानी जाता है, एयर कूल्ड चिलर में भी वाटर कूल्ड चिलर में, सिर्फ कंडेंसर के लिए सिर्फ एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड चिलर को डिफरेंस बोला जाता है। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, वाटर कूल्ड चिलर और एयर कूल्ड चिलर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड चिलर का नाम आते ही अगर आपसे क्लाइंट पूछे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो एयर कूल्ड चिलर का जो कंडेंसिंग मीडियम होता है वो एयर होता है और वाटर कूल्ड चिलर का जो कंडेंसिंग मीडियम होता है वो वाटर होता है। कंडेंसिंग मीडियम मतलब कि हमारा रेफ्रिजरेंट का जो कंडेंसेशन होता है जो एयर के जरिए होता है वो एयर कूल्ड कहलाता है, जो वाटर के जरिए होता है वाटर कूल्ड कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर वन में, इन दिस सिस्टम हीट इज रिमूव फ्रॉम कंडेंसर बाय मींस ऑफ कूलिंग टावर, मतलब इसके लिए कूलिंग टावर लगाया जाता है, हीट को जो पानी, अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेंट को अगर ठंडा किया, रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन करने के बाद पानी गर्म हो जाता है तो उस गर्म पानी को वापिस ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर एक डिवाइस लगाया जाता है वाटर कूल्ड चिलर में, उसके जरिए फिर वापिस ठंडा पानी हमको कंडेंसर में इन कराया जाता है। उसी तरह से इन दिस सिस्टम हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम कंडेंसर बाय मींस एम्बिएंट एयर, इसके लिए क्या होता है एयर कूल्ड चिलर के लिए, ये एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट जो एयर होता है उसके जरिए हमारा कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंडेंस कराया जाता है। उसके लिए फैन ब्लेड लगे हुए रहते हैं और फैन को मतलब कि रेफ्रिजरेंट के संपर्क में एयर आता है, ठीक है। ट्यूब जो हमारा अभी आगे इसके अंदर और भी डिटेल्स लिखे हैं, वो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट जो हमारा इन कर रहा है तो उसके संपर्क में हमारा एयर आता है जिसके जरिए हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंस होता है। लेकिन वाटर कूल्ड चिलर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में हमारा वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है, सेलेन ट्यूब टाइप कंडेंसर में वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है तो इसलिए उसका कंडेंसिंग मीडियम वाटर हो गया। सेकेंड, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज ए कंडेंसर यूनिट, सेल एंड ट्यूब टाइप हम लोग यूज करते हैं अपना वाटर कूल्ड चिलर में कंडेंसर को, क्योंकि उसके अंदर हमारा कूलिंग टावर से पानी को कंडेंसर पंप के जरिए पानी को इन कराया जाता है और आउट करा करके फिर कूलिंग टावर में भेजा जाता है। और इसमें क्या यूज होता है, दूसरा नंबर, फिन्स एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज ए कंडेंसर यूनिट, इसमें आप सिंपल देखेंगे फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर लगा रहता है, जैसा कि आप स्प्लिट एसी देख रहे हैं ना, सेम स्प्लिट एसी का एक बिग पार्ट हो जाता है, ये हमारा चिलर आ जाता है कि उसके लिए ज्यादा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का अगर हमारा यूनिट किया हुआ है तो उसके लिए हमारा कूलिंग कॉइल का साइज भी बड़ा हो जाता है, एरिया ज्यादा चाहिए। नंबर तीन क्या है, इट कैन बी प्लेस एनीवेयर इवन इज बेसमेंट आल्सो, ठीक है। और इसका तीन क्या कह रहा है, इट शुड बी प्लेस एनी ओपन स्पेस लाइक टेरेस फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, मतलब कि इसको हम लोग जो है वाटर कूल्ड चिलर को कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बेसमेंट एरिया में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंडेंसर जो है इनसाइड रहता है, इससे कंडेंसर में हम लोग पानी क्लीन कराते हैं, जो कूलिंग टावर को टेरेस पे लगाया जाता है या आउटसाइड में कहीं पे लगाया जाता है और इसके अंदर हम लोग अपना ठंडा पानी को इन कराते हैं कंडेंसर में, तो इसके लिए एयर की जरूरत नहीं है। लेकिन एयर कूल्ड चिलर में हमको कैसे भी ओपन स्पेस चाहिए, क्योंकि एम्बियंट अगर इसको एयर नहीं मिलेगा तो हाई प्रेशर से आपको मशीन ट्रिप कर जाएगा या कंडेंस रेफ्रिजरेंट कंडेंस होगा नहीं, इसको तो एयर कैसे भी हमें चाहिए, इसलिए इसको हमको ओपन स्पेस में लगाना पड़ता है,
या टेरेस के ऊपर लगाया जाता है। ये हो गया नंबर क्या है, इट रिक्वायर कूलिंग टावर, इसके लिए कूलिंग टावर चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर कूलिंग टावर, एयर कूल चिलर के लिए कूलिंग टावर नहीं चाहिए हमको, सिर्फ वाटर कूल चिलर के लिए कूलिंग टावर चाहिए। हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस जानेंगे, इनिशियल कॉस्ट ऑफ वाटर कूल चिलर इज हायर देन एयर कूल चिलर, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एयर कूल चिलर इज लोअर देन वाटर कूल चिलर। मतलब कि हमारा वाटर कूल चिलर का जो है कॉस्ट ज्यादा होता है, एयर कूल चिलर का कॉस्ट कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट अपना कूलिंग टावर वगैरह चाहिए और कंडेंसर पंप वगैरह सब ज्यादा इसमें लगाए जाते हैं और ज्यादा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है, इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। नंबर सिक्स हम लोग जानेंगे, नंबर सिक्स में है वाटर कूल चिलर है लॉन्गर लाइफ, हाई एफिशिएंसी, लार्ज कैपेसिटी एंड ऑल्सो रेफ्रिजरेंट कंटेंट, एंड एयर कूल्ड में एयर कूल चिलर दे हैव लोअर एफिशिएंसी कंपैरेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड अवेलेबल इन लोअर कैपेसिटी रेंज। मतलब वाटर कूल चिलर के मुकाबले जो है ये इसका लाइफ थोड़ा ज्यादा है वाटर कूल चिलर का, ठीक है, और ये एफिशिएंसी लार्ज कैपेसिटी में भी हमारा मतलब ज्यादा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में हमारा ये सिस्टम वाटर कूल चिलर हमको देखने को मिलता है, यूज कर सकते हैं। तो वाटर कूल चिलर का लाइफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये क्लोज स्पेस में लगाया जाता है, तो इसको अपना ना आपको एयर बाहर का कचरा कुछ भी मिलेगा, हीट ज्यादा ऊपर से मिलेगा, ना बारिश का समय में बारिश इसको मिलेगा, जो कि अपना एयर कूल चिलर का ये ओपन स्पेस में लगाया जाता है, तो इसको बारिश के टाइम बारिश मिलता है, गर्मी के टाइम में बहुत सारा एयर उड़ करके जो भी है हवा के टाइम में मतलब इसको इफेक्ट पड़ता है, तो एयर कूल चिलर का जो है थोड़ा लाइफ कम होता है। दूसरा कंडेंसर कॉइल का भी इफेक्टनेस आता है थोड़ा। नेक्स्ट, कूलिंग टावर एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर हैव मेन डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस एंड वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, एंड इसके बारे में जानेंगे, तो दिस रनिंग कॉस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एयर कूल चिलर, इसमें वैसा कुछ मसला नहीं है एयर कूल चिलर में, उसके लिए कुछ नहीं है। इसमें डिसएडवांटेज इसका क्या है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट ज्यादा आएगा, क्यों, पानी को हम लोग को अच्छा से फिल्टर करके फ्रेश पानी को दिया जाता है कंडेंसर में, अगर जो पानी आ रहा है उस पानी को ही अगर कंडेंसर में इन कराएंगे तो उसके अंदर स्केल आने का चांस आ जाता है ज्यादा, और स्केल आ भी जाता है तो अप्रोच बढ़ जाता है, फिर आपका चिलर का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, बहुत सारा कुछ है। मेंटेनेंस के लिए मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, क्यों, आपका वर्क थोड़ा ज्यादा बढ़ गया ना, अलग से कूलिंग टावर लगा हुआ है, कंडेंसर पंप लगा हुआ है, फिर उसको सर्विस कीजिए, उस बीच बीच में कुछ ना कुछ खराब होते रहता है, तो वाटर कूल चिलर में जो है मेंटेनेंस जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक लिखा हुआ है, मेंटेनेंस इज हायर, केमिकल कंजप्शन इज हायर, मतलब कि केमिकल भी इसमें यूज करना पड़ता है और मेंटेनेंस इसका हाई हो गया, इसमें मैन पावर भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है वाटर कूल चिलर में, इसमें वैसा नहीं है। मेंटेनेंस इज लोअर एंड केमिकल कंजप्शन इज जीरो, इसमें केमिकल का यूज करना नहीं है, क्यों, इसके लिए वाटर कूल चिलर नहीं है तो यूज करना ही नहीं है। एयर कूल चिलर में जो चिलर का जो पानी यूज होता है उसमें, तो इसमें भी आपको केमिकल यूज होता है और एयर कूल चिलर में भी केमिकल यूज होता है। नेक्स्ट हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, इसमें ज्यादा अमाउंट वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ता है, जो कि इसमें नहीं पड़ता है। लेस वाटर इज रिक्वायर, मतलब इसमें तो वाटर की जरूरत नहीं है, क्यों, कंडेंसर इसमें तो अपना एम्बियंट एयर से ये इसका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर होता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को वाटर यूज करना पड़ता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर हमें चाहिए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सारा कुछ डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, और बहुत कम समय में बहुत सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी हम बहुत कुछ कवर किए हैं इसमें आप लोग को बताने के लिए, फिर भी अगर कुछ छूट गया या और कोई भी चीज का जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, आप लोग जैसा भी आपका कमेंट रहेगा, तो आप लोग जो भी डाउट्स है उसको कमेंट में मैसेज किया करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना आप ख्याल रखें।